हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागी किचन। आज हम प्रयागी किचन में बनाने जा रहे हैं खस्तेदार मट्ठी या मठरी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है, घी लिया है और साथ में मेथी, नमक, अजवाइन ले लेंगे। फिर हम एक बड़े से बर्तन में मैदा ले लेंगे, नमक डाल देंगे, फिर हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, हाथों से मसल करके मेथी को भी हम इसमें डाल देंगे। अब पहले सभी चीजों को हम मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें घी डाल देंगे, और घी को भी पूरी तरह से मिला लेंगे आटे में। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मैदे को सान लेंगे। ये देखिए हमारा डो बन करके तैयार है। अब हम इसे एक पॉलीथीन में ढक करके रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसी डो से अलग अलग डिजाइन्स के मठरी बनाएंगे। अब हम छोटे छोटे गोले बना करके हाथों से थोड़ा सा दबा करके इसे रख लेंगे। लंबी वाली मठरी बनाने के लिए हम इसे पहले बेल लेंगे। हमें ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब हम इसे लंबा लंबा चाकू से काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ही आपको भी काटना है। और तीसरी तरह की डिजाइन बनाने के लिए आपको एक सूप में थोड़ी सी लोई ले करके इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है बनाने पर। अब कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे और धीमी आंच पे हम सभी मठरी को फ्राई कर लेंगे। एकदम धीमी आंच पे पकाने से बहुत ही सोनी सोनी होती है मठरी। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब लंबी वाली मठरी को फ्राई कर लेंगे। एकदम धीमी आंच पे पकाने से बहुत ही सोनी सोनी होती है मठरी। और अब हम इसे निकाल लेंगे।
और अब हम इसी प्रकार से गोल वाली मटरी को भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बनी हुई मटरी अपने घर पर जरूर बनाएं, बहुत ही कुरकुरी बनती है और बहुत ही स्वाद में अच्छी होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।